हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से नए सब्जेक्ट के साथ, तो इंटर में जो केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका आंसर क्लियर करा गया, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सही मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर सेट कोड है ये जे है, आप अपने पेपर के क्वेश्चन के साथ मिला लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसको दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर CH3CH2NH2 को कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन होगा ए, इथाइल एमीन। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन H2SO4 है एक, तो इसमें ऑप्शन होगा ए, द्विभाष्मिक अम्ल। तो दूसरा क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, इसमें प्रत्यम्ल ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी, इथेनोइक अम्ल, CH3COOH का IUPAC नाम। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी, इथेनोइक अम्ल। और पांचवा नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, लोहे का मुख्य अयस्क है, तो इसमें ऑप्शन होगा सी, हेमेटाइट। और छः नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, डेटॉल का उपयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन होगा बी, प्रतिरोधी। और सेवन नंबर जो क्वेश्चन है, अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल जाता है, इसमें सातवां नंबर का ऑप्शन होगा ए, नीला। दोस्तों मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और तो एट नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा D7। और नाइन नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसका होगा ऑप्शन BH2S, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। और टेन नंबर जो सुक्रोज का सूत्र, तो इसमें ऑप्शन होगा बी, टेन नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। और यहाँ पर एलेवंथ नंबर क्वेश्चन, हीलियम का सूत्र है, तो ऑप्शन होगा AHE। और ट्वेल्थ नंबर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ट्वेल्थ नंबर का ऑप्शन होगा बी, मंडल परिष्करण, ट्वेल्थ नंबर का ऑप्शन होगा बी। और थर्टी नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थर्टी नंबर का ऑप्शन होगा ए, 96,500। और चौदह नंबर जो क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं, तो चौदह नंबर और सरणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, तो इसमें चौदह नंबर का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, एट होगा चौदह नंबर का ऑप्शन बी। और पंद्रह नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका होगा ऑप्शन ए, मतलब कि चार, पंद्रह नंबर का ऑप्शन ए होगा। और सोलह नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। और सत्रह नंबर जो क्वेश्चन है PCl5 एक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑक्सीकरण। और अठारह नंबर जो क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, HNO3। और उन्नीस नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, NH3 में N का संकरण है, तो इसका होगा ऑप्शन ए, SP3। और बीस नंबर जो क्वेश्चन है, पॉलीथीन एक बहुलक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, इथिन का। और इक्कीस नंबर जो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, अधातु। और बाईस नंबर जो क्वेश्चन है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है एक संश्लेषित रबर, तो इसका बाईस का ऑप्शन होगा बी, संश्लेषित रबर। और तेईस नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तेईस नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए, +2। और चौबीस नंबर जो क्वेश्चन है, चौबीस नंबर का ऑप्शन होगा बी, एल्डिहाइड ग्रुप। और 25 नंबर जो क्वेश्चन है, उजला और पीला फास्फोरस है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, अपरूप। और 26 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, हीलियम। और 22 नंबर जो क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ओस्टवाल्ड विधि। और 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा ए, ज्वरनाशी, 28 नंबर का ऑप्शन ए होगा। और 29 नंबर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 29 नंबर का ऑप्शन होगा ए, बेंजीन हाइड्रोक्साइड, 29 नंबर का ऑप्शन ए होगा। और 30 नंबर जो क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, डी ब्लॉक तत्व। और 31 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, 31 नंबर का ऑप्शन होगा ए, क्षारीय धातु। और 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 32 नंबर का ऑप्शन होगा ए, भर्जन। और 33 नंबर जो क्वेश्चन है, 33 नंबर का ऑप्शन होगा सी, ओलिगोसैक्राइड। और 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा ए, द्विक लवण। और 35 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा डी, जो 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा डी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अपना क्वेश्चन जो भी आंसर है वो मिला लें। और ऐसे ही आने वाले हर एक सब्जेक्ट का आपको आंसर की मिल जाएगा, इसके लिए आपको हमारे जो चैनल है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। वीडियो के नीचे लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा करके जुड़ जाइए। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।